फाइनली आई अप्रिशिएट चेयरमैन सर, उन्होंने हमारे लिए लिंक रीओपन की मार्च में, बट अगर उनको पता था कि हमें जून में एग्जाम देना है, आप खुद इंसाफ करिए। एंडिंग मार्च में मैंने अप्लाई करा है। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे सोशियोलॉजी पढ़नी है, मुझे फूड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, मुझे पॉलिटी पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, जीएस को मैं छोड़ ही रही हूँ। दिस इज ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। हमें इनफ टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए। आप बच्चे बोल रहे इग्नो का एग्जाम है, इस चीज का एग्जाम है, उस चीज का एग्जाम है, हमें उससे कुछ नहीं है। चलो हम एग्जाम का जो इग्नो है उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये हम गर्ल्स के लिए एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है। हमें अगर सुपरवाइजर की पोस्ट निकले उसमें इन लोगों ने हम फीमेल्स को ये एक्सेस क्यों दिया? व्हाई कॉन्ट बॉयज अप्लाई फॉर दिस पोस्ट? जो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें हमें पढ़ना क्या है? इट्स ऑल अबाउट वुमेन लॉज, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, द पोजिशन ऑफ ए वुमेन इन अ सोसाइटी। लेकिन इस ग्राउंड पे हम उनसे बस रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि हमें एक मंथ डेफर कर दीजिए। इफ आई विल टॉक अबाउट माई ओन, मैंने मार्च में तो अप्लाई किया, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सेम इन मे, ठीक है। मेरा सोशलाइजेशन कंप्लीट तो हो गया है, ठीक है, नो डाउट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं अपना बोलूंगी, चलो मेरा रिटेंशन अच्छा है, मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, आई कैन कंप्लीट द सिलेबस विद इन द सेम टाइम। बट डिमांड क्या है? हम डिमांड चाहते हैं, मेरा रिवाइज नहीं हुआ, मैं कल को एग्जाम देने जाऊंगी, मेरे घर वालों को मुझसे एक्सपेक्टेशन है, घर वालों को पता है मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, पढ़ने जाती हूँ, बट मैं घर वालों को ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मुझे इनफ टाइम प्रिपरेशन के लिए नहीं मिला है। हमें बस उनसे एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, हम कुछ और नहीं मांग रहे, बस हमें एक मंथ का डेफरमेंट चाहिए और कुछ। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आप खुद जस्टिस करिए, जो 2021 की नोटिफिकेशन है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, उसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो हो चुका है, उसका एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? जो पटवारी है वो 21 की नोटिफिकेशन है, उसका एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉरेस्टर की जो नोटिफिकेशन निकली है वो 22 में और 23, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन उसका चलो केस चल रहा है कोर्ट में, लेट दैट बी, उसका अभी ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी होना है, उसको जाने देते हैं। मगर एसएसबी को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि वो सीधा 21 से उन्होंने जंप किया 24 की नोटिफिकेशन पे। हमें बस डेफरमेंट चाहिए, वी सीक फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम, हमें कोई और डिमांड नहीं है, हमने जाना, हमें सालों साल मिले, बस उनसे एक रिक्वेस्ट है, ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी हम फीमेल्स के लिए। हम यहाँ पे जितनी गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम 2 लाख गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे उतनी लड़कियों ने अप्लाई किया है जो मैरिड है। इफ आई विल टॉक अबाउट माय ओन सिस्टर, शी इज मैरिड, वो यहाँ नहीं आ सकती प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके हक के लिए मैं खड़ी हूँ, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमें